पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्र ने की जनता से अपील। दूसरी तरफ कुशीनगर में भी सभी तरह के वार्डों को किया गया सील। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव हेतु जनपद कुशीनगर में सभी तरफ के बॉर्डर को सील कर पर्याप्त पुलिस बल लगाए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार मिश्र की जनपद वासियों से अपील की। आप सभी नगरवासी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, जिससे भयंकर बीमारी कोरोना वायरस के चैन को तोड़ा जा सके। सब्जी फल विक्रेता लोग नगर और मोहल्ले गलियों में ठेले पर घूमकर सामान की बिक्री करें और बिना वजह घर से ना निकलें। इस बीमारी का मात्र एक उपाय स्वच्छता और सावधानी है। अपने घरों को सैनिटाइज करते रहें और खाने से पहले या खाने के बाद आपके पास जो भी साबुन उपलब्ध हो उससे अपने हाथों को 20-20 मिनट पर धोते रहें। सुरक्षा इस बीमारी का एकमात्र उपाय है। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। कसिया से सागिर अली की रिपोर्ट। जिस तरह से देश में कोरोना वायरस की भयंकरता बढ़ रही है और उसके मरीजों की संख्या में काफ़ी वृद्धि दृष्टिगत हो रही है, इस बात से सतर्कता का विशेष ध्यान रखने के लिए जनपद कुशीनगर के बॉर्डर को चारों तरफ से मजबूत करके सील किया गया है। और जनपद कुशीनगर के नागरिकों से मेरी अपील है कि न तो बाहर जाने के प्रयास करें और न ही बाहर से जनपद की सीमा के अंदर बाहर वालों को बुलाने का प्रयास करें। यदि कोई उनके गांव में, उनके मोहल्ले में कहीं दिखाई पड़ता है कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति, तो तत्काल उसकी सूचना देने का कष्ट करें। कंट्रोल रूम का नंबर सब जगह सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जा चुका है। जनपद की सभी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए उपलब्ध संपूर्ण पुलिस बल का व्यवस्थापन कर लिया गया है। खासकर उत्तरी सीमा हमारी जो खड्डा थाना, नेबुआ नरंगिया और कप्तानगंज, जो महाराजगंज जनपद और नेपाल से लगती हुई सीमाएं हैं, इन सबको काफ़ी मजबूत करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल वहाँ डिप्लॉय किया गया है। आपका जनपद सुरक्षित है, आप सुरक्षित रहें, ये मेरी कामना है। इसमें आप पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, ये मेरी अपील है। धन्यवाद।